हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन। आज हम पेपर आर्ट देखने वाले हैं। इसमें हम पेपर से स्पैन बनाएंगे, एक बर्ड बनाएंगे। बहुत ही वो स्पेशल एक्टिविटी होगी हमारी। और हैंग करके आप रखोगे इस एक्टिविटी को तो घर में अच्छा एक डेकोरेशन हो सकता है। ओके, तो आज हम इस एक्टिविटी को करेंगे। ओके, इसके लिए हमें रेक्टेंगल शेप पेपर चाहिए। एक कार्डशीट पेपर है, कार्डशीट पेपर है, स्नो वाइट पेपर है। कार्डशीट भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी साइज़ है 30x35। इसके साथ हमें स्केच पेन चाहिए, सीजर चाहिए, पेंसिल इरेजर और ग्लू। ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं। केयरफुली आपको देखना है। ये जो शेप है ना, रेक्टेंगल शेप, पहले हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए हमने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हमें उसका जो हेड है बर्ड का या स्वैन का, वो स्केच करना है। इसके लिए आप बोतल का कैप वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसके लिए बोतल का कैप यूज़ कर सकते हो, हाथों से भी आप स्केच कर सकते हो। अभी स्केच कैसे करना है आपको, जहाँ फोल्ड लेना उस साइड को उसका हेड हेड का स्केच आना चाहिए। देखिए अब यहाँ हेड, उसकी बीक, उसका नेक, यहाँ ये जो कोन है ऐसा यहाँ बनना चाहिए स्केच में। अभी ये होने के बाद हमें इसका कटिंग कैसे करना है, पेपर कटिंग कैसे करना है, देखिए इसके लिए अच्छी तरह से पेपर पकड़ना है। दोनों पेपर एक साथ होने चाहिए। ये पूरा कटिंग करना है। स्टूडेंट्स, हमने जो ड्रॉ किया था अभी कट अच्छी तरह से एक्यूरेसी होनी चाहिए, कट किया है मैंने। अभी ये जो शेप है यहाँ हम कट करने वाले हैं। कैसे, ऐसे ये जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट यहाँ होना चाहिए। एंड तक जाना नहीं है, थोड़ा स्पेस बाकी रखना है। यहाँ तक हमें ये ऐसे कटिंग करना है, लेकिन यहाँ भी हमें इतना स्पेस बाकी रखना है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे हमने कटिंग करके लिया है। यहाँ स्पेस हमने बाकी रखा है। अभी क्या करना है, ऐसे ओपन करना है। आ गया समझ में आपके। अभी उसका जो हेड, नेक और उसका बिग, ये हमें पेस्ट करनी है। ये साइड इस पर पेस्ट करनी है। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ही। अच्छी तरह से पेस्ट करना है और उसके बाद ये साइड।
से टर्न करके हमें ऐसे करना है। उसके पहले हम इसके आईज ड्रॉ करेंगे, आईज और उसकी बिक। फ्रेंड्स ये उस इसके आईज और बिग हमने कलर किए हैं। अभी क्या करना है, ये जो पार्ट है ये हमें पेस्ट करना है। उसके लिए दोनों तरफ हमें फेविकॉल लगाना है। पेस्ट होने के बाद अवे शेप यहाँ ज्वाइन करने के बाद थोड़ी देर ऐसे पकड़ना है, क्योंकि वो अच्छी तरह से पेस्ट हो इसलिए। स्टूडेंट्स एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। आप ऐसे घर में हैंग भी कर सकते हो इस एक्टिविटी को, यहाँ थ्रेड टाई करके, ओके। और ऐसी एक्टिविटी आपको बनानी है और उसकी फोटो मुझे भेजनी है, ओके। बेस्ट लक, थैंक यू।